तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये है आज कढ़ी चावल, सुबह सुबह कढ़ी चावल, क्योंकि आज है कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जी की छठी है आज, तो ये खाना बना है। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के संग शेयर कर देती हूँ। खा ही रही थी मैं नहा के, मैंने कहा पहले चलो प्रसाद ही खा लेते हैं, कुछ और नहीं बनाया मैंने, और फिर चलते हैं मम्मी के घर पे। तो बस ये खा लेती हूँ जल्दी से, चलते हैं मम्मी के घर। तो किस किस ने आज जो है मम्मी करी है कृष्ण की जी की छठी करी है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके okay? वेलकम टू माई चैनल दीपक दिया खन्ना। सो गाइस आज है 28 अगस्त, दिन है आज वेडनेसडे, और दिया लगातार खन्ना 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 बोले जा रही है। और मम्मी के घर जा रही थी तो मैंने कहा कि कुछ लेकर चलती हूँ सामान थोड़ा बहुत, क्योंकि ना जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई है, स्टार्ट किया अब गर्मियाँ जो है, अब सितंबर लग जाएगा फिर अक्टूबर, तो गर्मी जो है 2 महीने की रह गई है। तो मेरी कुछ कुर्तीज़ हैं जो छोटा छोटा सा, मतलब थोड़ा थोड़ा सा उधर रही हैं, फटी नहीं है, उधड़ रही है थोड़ी, वो सिलाई जो निकल जाती है उसको कहते हैं उधड़ना, और जो बीच में से कहीं से फट जाता है, कट लग जाता है, उसको कहते हैं फटना। तो उधड़ रही है, तो मैंने कहा चलो यार गर्मी निकल जाएगी, पहनूंगी कब। तो मम्मी के पास चलते हैं, ठीक करवाते हैं। और बड़ी सॉफ्ट सी कुर्ती है ये देखो, कट स्लीव की कुर्ती है, और ये यहाँ से उधड़ गई है देखो, ये यहाँ से उधड़ी थी, तो मम्मी से सिलवा लूँगी। मम्मी ने ही सिली थी ये वाली कुर्ती, ये देखो, ये मम्मी ने ही सिली थी, और इसके साथ की मम्मी खुद भी पहनती हैं एक कुर्ती, मम्मी भी पहनती हैं, और एक ये मेरी कुर्ती है जो फ्रॉक वाली कुर्ती है, और इनके कलर भी बहुत अच्छे हैं, ये पहनने लायक है, मैं पहन सकती हूँ ये वाले कलर। तो ये ना थोड़ी सी एक तरफ की बाजू जो है ना बहुत टाइट लगती है, इसे थोड़ी सी मतलब खुल जाएगी, ये इतना कट लग जाए थोड़ा बहुत जो भी है, मम्मी करेंगी, मम्मी को बता दूंगी मैं। तो एक ये कुर्ती है मेरी, और एक ये कुर्ती है, सब ऐसी रखी हुई है दो दो के, ये फुल स्लीव की है, ये सोच रही हूँ कट स्लीव की करवा लूँ, पहनी जाएगी यार। तो ये है, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ये थोड़ा सा ये चाक बड़े हो गए, इसके थोड़े से चाक बड़े हो गए, सिलाई लगेगी लॉक हो जाएगा। बाजार की जो कपड़े होते हैं ना उसकी सिलाई हमेशा कच्ची होती है, तो जब भी कपड़े लो ना एक बार सिलाई जरूर लगा। एक ये मेरी प्लेन ग्रीन कलर की कुर्ती है ये देखो, इसकी भी सेम दिक्कत है, इसके भी चाक जो है वो उधड़ते चले गए। तो ये मैंने पिछले साल तो मैंने दिया के टाइम पे मैं खरीदती थी कपड़े, क्योंकि मेरा वजन ना एकदम से बढ़ गया था, दियो के टाइम पे मैं कपड़े खरीदती थी और फिर वो उधड़ जाते थे, तो मैं उसको रख देती थी। अब ये देखो ये इसके भी चाक जो है वो थोड़े से खुल गए हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एक ये मेरी कुर्ती है, और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मुझे ध्यान भी नहीं था इस कुर्ती का। तो एक ये है मेरी कुर्ती, और बहुत अच्छी है ये, प्रेस प्रेस होगी ना और अच्छी लगेगी, पहन के बहुत अच्छी लगती है ये देखो पूरा ये डिज़ाइन सा, और ये बहुत महंगी थी कुर्तीज़, मैं कभी भी मतलब 400-500 इससे ज़्यादा ही नहीं लेती, बट ये वाली कुर्ती जो थी वो 700 रुपये कुछ की थी। तो इसकी भी नहीं, चाक तो ठीक है, इसकी चाक ठीक है, बस पता नहीं क्या दिक्कत, एक बार जाकर मम्मी देखेंगी। और ये वाली कुर्ती मैंने पहनी भी है थोड़े 2-3 बार पहनी भी है ब्लॉग्स वगैरह में अपने, तो ये थोड़ा सा ये आगे से हो गया, ये पता नहीं यार कैसे हो जाता है, पहने पहने हो जाता है अच्छे तरीके। और ये मेरा न्यू लोअर, इसमें मुझे पूरे में पक्की वाली सिलाई लगानी है, ये मेरा अभी पहना नहीं है तो, लेकिन इसमें पूरी पक्की वाली सिलाई लगानी है। अभी बस लोवर टी शर्ट बहुत सारे हैं
दस दस से तो ऊपर है सारी चीज़ें, 15 भी होगी, 15 से भी ऊपर होगी। तो चलो चलते हैं मम्मी के घर पे, यही पहन के जाऊंगी, गर्मी बहुत है। और दीयू को लेके जाऊंगी, शैंकी को फ़ोन करूंगी, मुझको लेने आएगा। पता है बच्चे चोर की जो अफवाह है ना हमारे मोहल्ले तक आ गई है, और मुझे बहुत डर लगता है, मैं कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बस शैंकी को फ़ोन करूंगी और उसके साथ चलते हैं मम्मी के घर पर, और आज ढेर सारा काम लेके जा रही हूँ मम्मी के लिए। तो मिलती हूँ घर पे ही, मिलती हूँ फिर। और छठी का खाना आप लोगों ने खा लिया ना मेरे साथ। सो आ गई हूँ मैं मम्मी के घर पर, और दीयू अगेन नानू के संग खेलने में मस्त हो गई है, नानू को तंग कर रही है। और ये अंदर चलते हैं। तो मम्मी यहाँ पर जो है नाश्ते की तैयारी कर रही है, और ये मम्मी ने भिगो रखे हैं चावल, चावल भिगो रखे हैं ये देखो। और ये जो है कढ़ी आधी बनी है, अभी आधी बननी बाकी है, पकनी है अभी और ज़्यादा। तो ये बन रही है कढ़ी, आज छठी है इस वजह से अभी पकौड़े भी बनेंगे। और चलो चलते हैं अंदर की तरफ। तो ये देखो ये मुझसे पहले पहुँचेगी और लेट जाएगी, तो ये यहाँ पर लेटेगी और टीवी चलवा लेगी, सब कुछ कर लेगी। और अभी इस टाइम तो ये नाटक कर रही है देखो। तो चलो सो ये पूजा हो चुकी है, और ये हमारे कान्हा जी जिनको अभी भोग लगेगा, और ये हमारे साईं बाबा का अलग से मंदिर है। दीयू रखो, और ये देखो ये ऊपर चढ़ती है ऐसे। चलो चलो आओ, जय कर टीवी देखेगी। दीयू के लिए टीवी चला देते हैं। दीयू का नाश्ता, दीयू नाश्ता करेगी बैठ के। ये दीयू को मैं पाठा खिला रही हूँ। ए ये क्या चाट रही है, सॉस ऐसा कौन चाट। दीयू मैम नाश्ता करेंगी और टीवी देखेंगी। आ गई मम्मी के घर पर, आप लोगों ने देख ही लिया, बहुत देर हो गई मुझको आए हुए। और मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, थोड़ी बहुत बातें करती हूँ। और किस किस के यहाँ पर आज है कृष्ण जी की छठी, 23 तारीख को हमारे यहाँ थी जन्माष्टमी, और 24 को भी थी। तो दो दिन की वजह से कई जगह छठी आज मनाई जा रही है, कई जगह छठी कल मनाई जाएगी। तो यहाँ तो हमने 23 तारीख का व्रत रखा था, तो आज की है छठी, आज मनाई जाएगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे कृष्ण जी की जो छठी की झांकी निकलती है और भंडारा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन वो आज नहीं है, एक दो दिन छोड़ के होती है। बस एक नाम होता है कि हाँ ये कृष्ण जी के लिए है। सो गर्मी बहुत है आज, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, बहुत तेज़ धूप हो रही है, देखो चिलचिलाती हुई धूप हो रही है, और मुझ पर भी शेड पड़ रही है, मैं पेड़ के नीचे हूँ, बट बीच में से जो झाँकती हुई होती है ना धूप, वो मेरे मुंह पे पड़ रही है। और बहुत सारी बातें मेरे को आपको करनी थी। पता है बच्चा चोर का जो भी चल रहा है ना, वो बहुत सारी जगह चल रहा है, बहुत सारी जगह पकड़े जा रहे हैं लोग, और व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कई चीज़ों पे, और ये तक कि मैं खुद यूट्यूब पे मैं भी जो है आप लोगों को इन्फॉर्म कर रही हूँ ये सब चीज़ें, और ये चीज़ें हो रही है रियल में।
और लेकिन न्यूज़पेपर में जो पुलिस वाले हैं कह रहे अफवाह है अफवाह है। अब भाई तुम लोग नहीं पकड़ पा रहे थे, तुम लोग अफवाह बता देते हो इस चीज़ को। ऐसा तो नहीं है ना कि ये एक ही जगह हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है, पर्टिकुलर जगह हो रहा है। जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो कबूल रहे हैं, बट जो पुलिस वाले हैं वो नहीं पकड़ सकते या नहीं पकड़ पा रहे तो वो कहते हैं कि लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाह नहीं है, ये सच है। और जब तक बिल्कुल ये चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए, पुलिस वालों के कहने पर मत चलिए, क्योंकि पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर कोई बच्चा चला जाता है या फिर किसी का मर्डर भी हो जाता है तो पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाते। ये तक कि पुलिस वाले एक चोर जो होते हैं ना उसको भी नहीं पकड़ पाते, पकड़ लेते हैं छोड़ देते हैं, पता नहीं क्यों छोड़ देते हैं। सब कुछ सामने होता है, सब कुछ गवाह होते हैं, बट पुलिस वाले मानने को तैयार नहीं होते। तो ये जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम अपने बच्चे का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप के मैसेज हैं, बहुत सारी फेसबुक पे लोग जो हैं इस तरीके के मैसेज जो है शेयर कर रहे हैं। आप भी आगे इसे आगे उनको शेयर करो, जिनको नहीं पता उन लोगों को बताओ, ताकि जो है किसी मासूम बच्चे की जान बच सके। हमारे इधर रिसेंटली अभी पीछे की तरह हुआ है, बट उसको पकड़ लिया, लेके जा रहा था वो, उसको पकड़ लिया, बिल्कुल पास में ही घर है। और पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं कि घर में जैसे हम लोग सो रहे हैं ना, ऐसा कुछ स्प्रे करते हैं वो कि अंदर तक वो जाता है और सोते के सोते रह जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। मतलब नुकसान कुछ नहीं होता, जान नहीं जाती, बट बेहोश हो जाते हैं। और बेहोशी में मुझे नहीं पता यार क्या टेक्निक लगाते हैं ये लोग कि बेहोश हो जाते हैं, लेकिन अंदर से जो लॉक होता है वो पता नहीं कैसे खोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने शातिर लोग होंगे जो ये गैंग चला रहे होंगे, गैंग ऑफ होके जो इधर से उधर इधर से उधर जो घूम रहे हैं। सो प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों का ध्यान रखिए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, और डर तो होना चाहिए यार, बच्चों की जो कहते हैं ना सब चीज़ का सामना कर लो, बट अपने बच्चों की बारी है, अपने बच्चों पे कोई बात आती है ना तो बहुत दिल घबराता है। सो मैं आ गई हूँ मम्मी के घर पर, इसलिए मैं उनके घर पर अकेले कह रहे हैं ना, चलते हैं मम्मी के घर पर, वहीं पर रहते हैं, बिल्कुल सेफ एरिया है यहाँ पर। कुछ मतलब है तो मेरे उधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अकेले तो फिर अकेले ही डर लगता है ना। चार पांच जने हो साथ में अच्छा लगता है। तो धूप हो रही है, मम्मी रोज़ कपड़े धो लेती है हैंड टू हैंड इतने सारे, ये देखो कितना बारिश हो जाती है ना, फिर सूख नहीं पाते, मशीन वगैरह बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं सूख नहीं पाते हैं। तो बस यही बात शेयर करनी थी। तो और ये पीछे ठेला खड़ा हुआ है, ये बिल्कुल हमारे सामने वाले है ना, ये ठेला लगाते हैं। यहाँ पे मिलते हैं चाउमीन मिलती है, और मोमोज मिलते हैं, और क्या मिलता है, बर्गर मिलता है, और बस हाँ बस चाउमीन बर्गर और मोमोज, ये तीन चीज़ें मिलती है। अच्छा बनाता है, बहुत अच्छी टेस्टी, पहले भी लगाता था लेकिन बंद कर दिया था, अब फिर से स्टार्ट कर दिया। तो कोई नहीं, काम है, सब काम अपनी जगह है, मेहनत लगती है सारे कामों में, तो काम अच्छा काम है, और अप्रिशिएट करना चाहिए, हम चीज़ को मजाक नहीं बनाना चाहिए कभी भी किसी का। तो चलिए इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बिना देखे बिना सब्सक्राइब करे देख लो, मना नहीं कर रही, पर सब्सक्राइब कर लो यार, एक ही बार करना पड़ेगा, बार बार नहीं करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि हर बार देखोगे तो अलग से सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और सब्सक्राइब करने के पैसे भी नहीं लगते, ये बिल्कुल फ्री है, लाइक भी सब्सक्राइब भी सब कुछ बिल्कुल फ्री है, लेकिन जो आप हमको व्यूज़ देते हो ना उसमें पैसे लगते होंगे, उसमें पैसे लगते हैं वीडियो वॉच करने के। तो चलिए गाइस, चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छे से देखती हूँ क्या बनाती हूँ क्या नहीं बनाती। बाय बाय।